ये तय मान लो आप, सही गलत आधार पर नहीं, कौन अपना है कौन पराया है, इस आधार पे होते हैं। अगर आप कितना भी सही हो, अगर अपने नहीं हो तो आपके पक्ष में निर्णय आने वाला नहीं। और राजनीति में निर्णय कभी इस आधार पे भी नहीं होते कि सही गलत। भारतीय वैश्य एकता परिषद की राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 5 दिसंबर से निकालने का निश्चय मैनपुरी से किया गया है। ये 40 दिन की अधिकार यात्रा है। इसका समापन 16 जनवरी को लखनऊ में किया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य वैश्य समाज की राजनीति में जो घोरतम उपेक्षा हो रही है, उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य हैं, जहां वैश्य मतदाता 30,000 से लेकर 60,000 तक है, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी नगण्य है। वर्तमान में मात्र 20 वैश्य समाज के विधायक हैं, जबकि इसकी संख्या 100 होनी चाहिए। विगत समय जब चंद्रमान गुप्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब 80 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में थे। अब तो आबादी बहुत बढ़ गई है, इस हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में हमारी प्रभावी संख्या विधानसभा में होनी चाहिए।